हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए बच्चों की फेवरेट रेसिपी पास्ता लेकर आई हूँ, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, खाने में बहुत ही ज़्यादा चूज़ी होते हैं, बहुत नाटक करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि उनको खाना भी अपने अकॉर्डिंग चाहिए होता है। अगर पास्ता बना है तो पास्ता भी अपने अकॉर्डिंग चाहिए होता है। तो चलिए आज बच्चों के अकॉर्डिंग बनाते हैं पास्ता, जो कि उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा और झटपट से प्लेट को चट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, पास्ता मैंने बॉईल कर लिया था। सिंपली ऑयल थोड़ा सा डालकर, पास्ते में हल्का सा नमक डालकर पानी में बॉईल करना होता है, सो मैंने कर लिया था। यहाँ पर कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। अब यहाँ पर प्याज ऐड कर दिया मैंने। प्याज को मैंने करीब 1 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करके, और उसके बाद उसमें गाजर ऐड कर दी थी। गाजर थोड़ी सी सख्त होती है, इसीलिए गाजर को पहले ऐड करना होता है। और गाजर को फ्राई करने के बाद में फिर यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च ऐड कर दी थी। शिमला मिर्च बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है, और शिमला मिर्च को बहुत ज़्यादा कुक भी नहीं करना होता है, ओनली 50% कुक करना होता है, क्योंकि जो इसका एक खाने में जो टेस्ट आता है ना, कचकच की आवाज़ जो आती है ना, वो शिमला मिर्च का बहुत ही अच्छा टेस्ट रहता है उससे। तो यहाँ पर देखिए, सब्जियाँ मैंने ऐड कर दी हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी, ये रहा पास्ता, इसका पानी बिल्कुल अच्छे से निचुड़ गया है। और अब यहाँ पर देखिए, सब्जी को जितना हमें कुक करना है उतना कुक कर लेंगे। सब्जियों को भी मैं, पास्ता हो या फिर कोई भी ऐसी रेसिपी बनाती हूँ, चाउमीन हो या जो भी चीज़ें बनती हैं चाइनीज़ आइटम में, तो सब्जियों को मैं 50-40% ही कुक करती हूँ, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करती हूँ। हाँ, गाजर थोड़ी अच्छे से कुक कर लेती हूँ, वरना वो थोड़ी सख्त रहती है ना, तो खाने में फिर वो टेस्ट ख़राब कर देती है। यहाँ पर मसालों में मैं ऐड करूँगी सिर्फ मैगी मसाला और नमक ऐड करूँगी। मैगी मसाले से ना पास्ते में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, और बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। मेरे घर में मेरे बेटे को ना, अगर मैगी मसाला नहीं है तो फिर आप पास्ता बनाओ या कुछ भी बनाओ तो वो नहीं खाएगा। अगर आपने पास्ता ऐड किया है ना तो ही वो खाएगा, वरना नहीं खाएगा। मैगी मसाला ऐड करने के बाद में यहाँ पर मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और उसके बाद में हल्की सी यहाँ पर काली मिर्च भी ऐड कर देंगे। थोड़ी सी लाल मिर्च हमने ऐड की हुई है, लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि थोड़ा सा तीखा और चटपटा चाहिए होता है। हल्की थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दी है, क्योंकि मैं ना मोस्टली नया नया ट्राई करती रहती हूँ। कभी मैं बिना हल्दी के बनाती हूँ, और कभी कभी मैं हल्दी के भी डाल के बना देती हूँ, जिससे ना कभी कभी येलो देखने में भी अच्छा लगता है, और कभी कभी व्हाइट पास्ता कलर्ड वेजिटेबल्स के साथ में अच्छा लगता है। तो आज यहाँ पर जो मैंने बनाया है ना, तो हल्दी ऐड कर दिया था, क्योंकि मैगी मसाला ऐड किया था तो मैगी मसाले से कलर उतना खिल के नहीं आता है, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा हल्दी भी ऐड कर देती हूँ। आप यकीन नहीं मानेंगे, इतना टेस्टी बना हुआ था, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया है मैंने। और इसमें टमाटर नहीं ऐड किए थे, क्योंकि टमाटर मेरा बेटा नहीं खाता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही मुझे चीज़ें बनानी होती हैं। और आज लंच बॉक्स में मेरे बेटे को यही चाहिए है, पास्ता, टिफ़िन में पास्ता ही लेके जाना है। तो इस तरह से जब आप पास्ता बनाते हैं ना, तो बच्चों को बहुत पसंद आता है, और बच्चे ना झटपट से प्लेट चट कर देते हैं। और अगर आप लोगों ने इस तरह से नहीं ट्राई किया है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वैसे मोस्टली लोग मैगी मसाला डालकर बनाते हैं, या फिर सिंपली जो मसाले पड़ते हैं वो डालकर बनाते हैं। यहाँ पर मैं आपको इसका पास से कलर एंड टेक्सचर दिखा दे रही हूँ, इतना बढ़िया बना है पास्ता। आप लोगों को अगर आज की बच्चों की टिफ़िन स्पेशल रेसिपी पसंद आई हो ना, तो लाइक कर दीजिएगा। बच्चों को तो देखिए वैसे भी नया नया टिफ़िन चाहिए, और पास्ते की बात कर दो तो भाई किसको नहीं पसंद है। चलिए, राधे राधे, बाय।